कसरावत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब परिवहन का खुलासा कर दिया, जहां पुलिस ने परमल की थैलों के पीछे छुपाई गई 48 लाख रुपए की 450 पेटी शराब जब्त कर ली। कसरावत पुलिस ने अंतर्राज्यीय अवैध अंग्रेजी शराब परिवहन करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए अवैध शराब को जब्त कर लिया है। इसमें परमल के थैलों के पीछे अंग्रेजी अवैध शराब की पेटियां भरकर तस्करी की जा रही थी। पुलिस को चकमा देने के लिए शराब के आगे परमल के थैले भर दिए गए थे ताकि किसी को भी शक न हो। देखिए, इसमें ये हुआ है कि जो हमारी कसरावत पुलिस थाना था, उसके जो प्रभारी हैं अरुण तिवारी, इनको अपने मोबाइल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि जिसमें ये शराब भर के एक कंटेनर जो है वो ले जाने की जानकारी मिली थी। तो इसमें जब पुलिस ने सूचना मिलते ही इसमें चेकिंग लगाई और जिस गाड़ी के विषय में बताया था उसको रोक के जब उसमें चेकिंग की गई तो पहले तो उसमें पाया गया कि उसमें परमल के बोरे जो हैं वो भरे हुए थे। उन बोरों को जब खाली करके देखा गया तो पूरा अंदर एक लोहे की पूरी रैक बनी थी, जिसके अंदर करीब 450 पेटी जो है अवैध शराब उसमें रखी गई थी। ये कुल करीब 4245 लीटर बल्क वॉल्यूम का और इसकी कुल कीमत करीब 48,000 रुपये जो है मार्केट वैल्यू इसकी आकी गई है। इसके साथ साथ जो ट्रक भी है उसको भी पुलिस ने सीज किया है, उसकी अनुमानित कीमत करीब 10,00,000 रुपये है। इस तरह कुल 78,20,000 रुपये की वैल्यू की जो शराब और उसके ट्रक है वो पुलिस ने जब्त की है। इस पूरे मामले में पुलिस ने जो दो आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया है जो ट्रक में थे, और उनके साथ साथ जो ये पूरा नेटवर्क है जहाँ से शराब सप्लाई हो रही थी और जहाँ के लिए जा रही थी वो अभी हम लोग पता लगा रहे हैं। उसमें अभी विवेचना जारी है। यह संभवतः हरियाणा से इसका सप्लाई चालू हुआ था और इसको तेलंगाना में इसकी डिलीवरी होनी थी। बीच बीच में कई जगह पे ये लोग अपना जो ड्राइवर्स हैं और क्लीनर हैं उनको बदल देते थे, तो अभी जिनको हमने पकड़ा वो बेसिकली इसको धुलिया तक इनको ड्रॉप करना था, वहाँ पर इनको कोई नया व्यक्ति मिलता। तो ये पूरा एक संगठित गिरोह का कहीं ना कहीं इसमें काम है और हम इसका पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब अंतर्राज्यीय गिरोह है? ये अंतर्राज्यीय गिरोह है। ये पूरा हरियाणा से लोगों में जानकारी अभी मिली है, प्रथम देखते हैं कि हरियाणा से सस्ती शराब लेके इसको पूरा क्रॉस करते हुए जो दक्षिण के राज्य हैं विशेष तौर पर तेलंगाना वगैरह जहाँ पर शराब की कीमत काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे ले जाके इसको भारी मुनाफे में इसको ये लोग बेचते हैं। यह ट्रक हरियाणा से तेलंगाना जा रहा था। वहीं अब पुलिस द्वारा आरोपियों से पूछताछ भी की जा रही है और इस बात का पता लगाया जा रहा है कि शराब तस्करी में कौन कौन लोग और शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, खरगोन।